हेलो फ्रेंड्स, मथुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की एक ऐसी डिलीशियस रेसिपी जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने लिया है आलू 5, पोटैटो स्टार्च 5 टीस्पून, मोजरेला चीज 100 ग्राम, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती। सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हम एक कुकर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 कप पानी और आलू को धोकर इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इसे 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब इसे छील कर मैश कर लेंगे। इसे एक बाउल में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ड्राइड गार्लिक पाउडर, 5 टीस्पून पोटैटो स्टार्च, 100 ग्राम मोजरेला चीज ग्रेट करके, 1/4 कटोरी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डो की तरह बाइंड कर लेंगे। इस डो को हम 2 पोर्शन में बांट लेंगे और एक पोर्शन को ऐसे फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा पोटैटो स्टार्च छिड़क कर उसके ऊपर अच्छे से रोल कर लेंगे। इसे सभी साइड से बराबर रोल करना है। अब इसके हमको लंबे लंबे पीसेस कट करने हैं। इसके लिए आप साइड को ऐसे काट कर निकाल देंगे। ये एक रेक्टेंगल शेप में हो गया है। अब इसके लंबे लंबे पीस कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे पोर्शन को भी हम रोल करके पीसेस कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं लंबे लंबे हमारे पोटैटो स्टिक्स तैयार हो गए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही क्रंची पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसे टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए। This recipe is presented by Mathura Bhog.